महाकुंभ की समीक्षा बैठक पर यूपी के मंत्री एके शर्मा ने कहा कि आगामी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। उसके लिए सड़क घाटों का निर्माण, नगर में यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम कार्य आसपास के जिलों और प्रयागराज में किए जा रहे हैं। कुंभ से पहले सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। प्रयाग की पावन धरती पे माँ गंगा जमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी के पावन सानिध्य में आगामी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। उसमें बहुत सारे विकास कार्य, रोड रास्ते बनाने से लेकर पॉन्टून ब्रिज बनाने से लेकर घाटों का निर्माण, नगर में यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए आवागमन को सुगम बनाने के लिए पुल पुलिये का निर्माण, नालियों का निर्माण, खड़ंजों का काम, तमाम तरह के हजारों काम जो हैं इस समय प्रयाग के आसपास के जिलों में भी और प्रयाग में चल रहे हैं, उन सबको समय से पूरा करना, जब कुंभ की शुरुआत हो उसके पहले सब कुछ अपनी जगह पर तैयार हो, सब कुछ सुसज्जित हो, कुंभ जो है भव्य और दिव्य बने, दुनिया के लोग जो आएंगे उनको एक अलौकिक अनुभव हो, इस दृष्टि से पूरा प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से काम कर रहा है। आज हमने उन कार्यों की समीक्षा किया, मुझे बहुत संतोष है कि बहुत ही सही दिशा में सही गति से सारे काम चल रहे हैं और सभी काम कुंभ के बहुत पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। आने वालों को इस दिव्य और भव्य कुंभ का अलौकिक अनुभव हम लोग कराएंगे।